तमिल के एक महान कवि दार्शनिक तिरुवल्लुवर की मूर्ति पर 4 नवंबर को कुछ अज्ञात लोगों ने गोबर फेंक दिया, जिसके बाद से ही तमिलनाडु में इस बात को लेकर हंगामा खड़ा हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि तिरुवल्लुवर आखिर कौन थे और उनकी मूर्ति के साथ कुछ विशेष लोगों ने ऐसी हरकत क्यों की। तो आपको बता दें कि 2050 साल पहले तिरुवल्लुवर तमिलनाडु में रहा करते थे। उन्होंने तिरुकुरल नामक एक किताब लिखी है जिसमें 133 अध्याय 1333 छंद हैं। ये पुस्तक नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाती है और इससे तमिल भाषाओं के प्रतिष्ठित साहित्य में से एक माना जाता है। अब इस हरकत के पीछे का कारण भी जान लीजिए। हुआ ये कि तमिलनाडु की भाजपा इकाई ने उन्हें सम्मानित करने के लिए ट्विटर पर एक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने भगवा कपड़े पहन रखे हैं और गले में रुद्राक्ष पहन रखा है। लोगों ने बवाल इसी फोटो पर मचाना शुरू कर दिया। कहा यह गया कि उनका विश्वास किस धर्म के प्रति था, ये दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। तो इस तस्वीर का प्रयोग किसी भी सूरत में नहीं किया जाना चाहिए, ये उनका अपमान है। अरे महाशयों, 2050 साल पहले इस देश में कितने धर्म थे जिस कारण आपको तिरुवल्लुवर की धार्मिक मान्यताओं को जानने में दिक्कत हो रही है। भाजपा को नीचा दिखाने के चक्कर में कुछ लोग इतना गिर गए हैं कि उन्होंने तिरुवल्लुवर को भी नहीं छोड़ा। तंजावुर जिले के पिल्लयारपट्टी इलाके में तिरुवल्लुवर की एक प्रतिमा पर कुछ अज्ञात लोगों ने चेहरे और गर्दन पर गोबर फेंक दिया। फिर लोगों का गुस्सा भड़कना तो जायज था। इस वाक्य के बाद से ही गांव वाले प्रतिमा के सामने लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तंजावुर पुलिस ने मामला दर्ज तो कर लिया, लेकिन घटना को अंजाम देने वालों का अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिला है। जिन लोगों को तमिलनाडु बीजेपी के उस चित्र के इस्तेमाल से दिक्कत थी, वो अब जरा ये तस्वीर भी देख लें। ये तस्वीर जानी पहचानी लग रही होगी क्योंकि ये तस्वीर जीसस क्राइस्ट की तस्वीर है, लेकिन स्वरूप तो देखिए इसका। कहीं से भी लगता है कि ये उनकी किसी भी असल प्रतिमा से मेल खाती है, नहीं ना। लेकिन ये तस्वीर पिछली जनजातियों में ईसाइयत के प्रचार के लिए खूब इस्तेमाल की जाती है ताकि उन्हें भटकाया जा सके, ये दिखाकर कि वो किसी बाहरी धर्म को नहीं अपना रहे हैं, ये उनकी ही संस्कृति का हिस्सा है। पर इस पर कुछ विशेष लोगों को आपत्ति क्यों नहीं होती और इस पर आप सबको भी आपत्ति क्यों नहीं होती? आपके पोशाक, आपके तौर तरीके का इस्तेमाल किसी ऐसी चीज के प्रचार प्रसार में हो रहा है जिसका इस संस्कृति और सभ्यता से कोई भी ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस पर नहीं बोलेंगे। लेकिन हमारे ही देश के एक महान कवि का चित्र अगर यहाँ सांस्कृतिक पोशाक से मेल खा जाए तो लोग इस पर अपना आपा खोने लगते हैं। खैर, इन सब के बाद अब हिंदू मक्कल काची के सदस्यों ने पिल्लारपट्टी में तिरुवल्लुवर की उस मूर्ति पर फूलों की माला चढ़ाई, साथ ही रुद्राक्ष और एक भगवा अंगवस्त्रम को उनकी मूर्ति के ऊपर पहनाया। कितनी अजीब बात है ना कि किसी की भावनाओं की कद्र करना तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ लोग वैचारिक मतभेद के चलते ऐसे महान दार्शनिक कवियों का अपमान करने से भी पीछे नहीं हटते। ऐसे ही तमाम और वीडियोज़ के लिए आप दी चौपाल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।